वेलकम टू दी क्लास बच्चों। आज हम लोकेशन कवर करेंगे गैबन। गैबन जो है बच्चों काफी न्यूज में रहा जून 2022 में। जानेंगे कि यहाँ पे जो है कौन सी जो है लंबी नदी है, माउंटेन्स के बारे में भी देखेंगे और ये भी बच्चों जानेंगे कि किस देश के उपराष्ट्रपति जो है यहाँ पर जो है विजिट किया उन्होंने। तो बच्चों इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। ऐसी ही और वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बच्चों को भारत के जो है उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने जो है कहाँ विजिट किया, गैबन में विजिट किया। तो मिस्टर वेंकैया नायडू ने जो है यहाँ पर जो है गैबन में विजिट किया, इसलिए जो है काफी चर्चित रहा गैबन जून 2022 में। आइए बच्चे अब देखते हैं कि इस गैबन जो है वर्ल्ड मैप पे जो है कहाँ पर है, कहाँ जो है इसे हम लोकेट करेंगे वर्ल्ड मैप पे। तो बच्चों वर्ल्ड मैप पे जो है गैबन जो है बिल्कुल इक्वेटोरियल लाइन पर है और वो भी कौन से कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप में है बच्चों गैबन कंट्री। तो गैबन कंट्री को आइए एग्जैक्ट लोकेशन अब ढूंढते हैं हम। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को अगर देखें बच्चों तो इक्वेटोरियल लाइन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमारी इक्वेटोरियल जो लाइन है जो है कि वो लाइन जो है किस देश से पास करती है, गैबन से पास करती है बच्चों। तो बच्चों आइए अब देखते हैं इसके पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं। तो देखो बच्चों नॉर्थ में अगर हम बात करें तो बच्चों नॉर्थ में दो देश है, दो देश जो है इसके बिल्कुल नॉर्थ में है। पहला कौन सा है, इक्वेटोरियल गिनिया, दूसरा कौन सा है बच्चों, कैमरून। ये दो देश जो है किसके, गैबन के जो है बिल्कुल बच्चों नॉर्थ में है, इक्वेटोरियल गिनिया और जो है कैमरून। इसी के साथ बच्चों इसकी ईस्टर्न बाउंड्री पूरी की पूरी जो है ईस्टर्न, इस गैबन देश की जो है ईस्टर्न बाउंड्री जो है देश कवर करता है जिसका नाम है कोंगो। तो बच्चों ये तीन देश ही हैं जो आपको जो है ध्यान रखने हैं गैबन से रिलेटेड, जो गैबन की जो है लैंड बाउंड्री को टच करते हैं। वहीं बच्चों गैबन की मैरिटाइम बाउंड्री जो है वेस्टर्न साइड में इस ओशन के साथ टच करती है, अटलांटिक ओशन के साथ टच करती है बच्चों। और वहीं पर मैरिटाइम बाउंड्री जो है गैबन जो देश है वो एक आइलैंड कंट्री के साथ भी शेयर करता है जिसका नाम है साओ टॉम प्रिंसिपे। तो बच्चों ये जो है चार देश है जिनके साथ जो है लैंड बाउंड्री और मैरिटाइम बाउंड्री जो है गैबन शेयर करता है। वहीं बच्चों देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि इक्वेटोरियल लाइन जो है पास करती है गैबन में से, तो और कौन से देश है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, आइए देखते हैं। तो बच्चों पहला देश साओ टॉम एंड प्रिंसिपे जहाँ से इक्वेटर लाइन पास करती है, और दूसरा देश है हमारा गैबन जिसका जिक्र अभी चल रहा है, और तीसरा है कोंगो, और फिर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो। इससे अगला देश है बच्चों हमारा उगांडा जहाँ से जो है इक्वेटर की लाइन पास करती है, और फिर है कीनिया, और उसके बाद जो ये देश है वो कौन सा है, सोमालिया। तो बच्चों ये जो कुछ देश है जहाँ से जो है इक्वेटर की लाइन क्रॉस करती है। आइए अब जानते हैं गैबन के बारे में कुछ और मुख्य बातें। तो बच्चों गैबन में जो है सबसे लंबी नदी और गैबन की सबसे फेमस नदी इसका नाम है ओगुली रिवर, ये गैबन की जो है सबसे लंबी नदी है बच्चों। कोंगो देश से होती हुई बच्चों ये गैबन में आती है और गैबन में गोल गोल घूमते हुए बच्चों गैबन के सेंट्रल पार्ट से होते हुए जो है अटलांटिक ओशन में जो है गिर जाती है बच्चों। तो ये जो है ओगुली रिवर जो है लंबी नदी है गैबन देश की। इसके साथ ही बच्चों यहाँ पे जो है सबसे हाईएस्ट पीक बोले या हाईएस्ट माउंटेन बोले तो माउंट इबोंड जी जो है यहाँ का जो है हाईएस्ट माउंटेन है बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं भूलने वाली बात क्या है बच्चों, कैपिटल क्या है गैबन की, गैबन की जो राजधानी है बच्चों लिब्रेविले है। तो बच्चों लिब्रेविले जो है कैपिटल ऑफ गैबन। इसी के साथ बच्चों माउंटेन रेंजेस को भी देख लेते हैं, कुछ दो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस है जिनका जिक्र काफी होता है। तो क्रिस्टल माउंटेन की रेंजेस है बच्चों जो कि कहाँ पर है, गैबन देश के अंदर। इसी के साथ बच्चों माउंटेन रेंजेस है चैजू मासिव, ये दो माउंटेन रेंजेस है बच्चों जो कि इम्पोर्टेंट है और जो कि किस देश के अंदर है, गैबन देश के अंदर है बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ हम और नजर डालते हैं कि हमारे जो है
वर्ल्ड मैप के ऊपर अगर हम देखें तो इक्वेटर लाइन तीन तीन देशों से क्रॉस करती है बच्चों। तो वैसे इक्वेटर लाइन जो है तीन कॉन्टिनेंट्स के अंदर से जो है क्रॉस करती है, सबसे पहले साउथ अमेरिका में से, फिर अफ्रीका में से, और उसके बाद है एशिया महाद्वीप के अंदर से बच्चों। आओ कंट्रीज पे नजर डालें तो ऐसी बच्चों 13 कंट्रीज है जिनसे जो है इक्वेटर की लाइन पास करती है। सबसे पहले देखें तो बच्चों तीन ऐसे कंट्रीज हैं जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है। सबसे पहला है इक्वेडोर, फिर है बच्चों कोलंबिया, और उसके बाद है ब्राजील। तो ये तीन देश आपको ध्यान रखने हैं जो कि साउथ अमेरिका महाद्वीप में से है। इसके बाद बच्चों अफ्रीका की बात करें तो पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं हम, ऑटोमन प्रिंसिपे, गैबन, रिपब्लिक कोंगो और डेमोक्रेटिक कोंगो, उसके बाद उगांडा, फिर सोमालिया और कीनिया। उसके बाद बच्चों एशिया में बात करें तो हमारा पड़ोसी देश, भारत का पड़ोसी देश मालदीव, और फिर है इंडोनेशिया, और फिर किरीबाती और सीनिया ग्रुप में से। तो ये बच्चों कुछ 13 जो देश है आइलैंड कंट्रीज और जो है मेन कंट्रीज में से जो जिनमें से इक्वेटर पास करती है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए राइट साइड क्लिक कीजिए, प्रीवियस वीडियो देखने के लिए लेफ्ट साइड क्लिक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैव अ नाइस डे बच्चों।